प्लीज सर, सर थोड़ा देख लीजिए सर। नहीं हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन हो गया। मैं कमिंग सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। देखा क्या नाम है? एपी सर। फुल नाम बताओ ना। सर मोहन पाल सर। मोहन पाल। पापा का नाम क्या है? सर एमपी सर। नहीं नहीं, तुम्हारा पापा का नाम बताओ। सर एमपी सर। मतलब? मदन मोहन पाल सर। कितना अच्छा क्वालिफिकेशन है आपका, लुक भी सही है, तो सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाहते हो? सर एमपी सर। एमपी मतलब? सर मनी पवन। नो 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 नो। कहाँ से हो? सर एमपी सर। मध्य प्रदेश? नहीं नहीं सर, मणिपाल सर। मणिपाल। अच्छा अच्छा, कितना पढ़े हो? सर एमपी सर। इसका मतलब? मैट्रिक पास सर। नो नो नो। दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर। इसका मतलब? महिपालपुर सर। कैसा आदमी हो यार। एमपी सर। इसका मतलब? सर माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की है। एमपी सर। अरे यार फिर ये भी क्या है? नो नो नो। माय पापरमन सर। एमपी। एमपी क्या है सर? मेंटल प्रेजेंट है सर। ये चाहिए आपको? ये क्या है? एमपी सर। इसका मतलब? सर मीठा पान। ये किस लिए? सर एमपी सर। अरे भाई, अरे इसका मतलब फिर क्या है? मम्मी पापा के लिए। मानी प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आया। अरे आप कोई टेंशन का बात नहीं, तुम्हारा नौकरी पक्का है, बिल्कुल पक्का है। एमपी सर। इसका मतलब फिर क्या है? माय प्लेजर सर। तुमको ऐसे इंटरव्यू में डर नहीं लगता? सर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसलिए मैं माउंटेन ड्यू पी का है सर, क्योंकि मैं बहुत बार वो ऐड देखा कि डर के आगे जीत है, इसलिए मैं देखो पी के आया और आपने मेरा नौकरी पक्का कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुमको यहाँ पे नहीं, इस नौकरी पे नहीं, तुमको तो यूट्यूब में फनी वीडियो बनाना चाहिए। ये लो, इस पैसे में मिठाई लेके जाओगे घर में, और ये तुम्हारा फाइल लेके जाओ, कल से जॉब में आ जाना। सर एमपी सर। ठीक है, और भाई नहीं पूछूंगा एमपी का मतलब क्या है, मुझे मालूम चल गया तुम्हारा पास पूछना कुछ एमपी का मतलब है। आप जाओ जाओ जाओ, कल से नौकरी में जल्दी आ जाओ। तो आपको भी ऐसा कोई डर लगता है तो बिल्कुल माउंटेन ड्यू पीजिए और जाइए, देखिए आईपीएस जैसे नौकरी भी आप हासिल कर लेंगे। आईपीएस क्या होता है? क्या होता है आईपीएस? एक से दस गिनती करो तो आईपीएस निकल के आ जाता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। देखिए मैं आईपीएस नहीं बन पाया। अरे नहीं बन पाओगे, आईपीएस वही बन पाएगा जो उसका हकदार है। थैंक यू सो मच इतना देर वीडियो देखने के लिए। और ये नवेद जी का एक बनाया हुआ स्टोरी था जो हमने थोड़ा बहुत कोशिश किया, और आगे देखते रहिए, नया वीडियो ऐसे आ जाएगा। थैंक यू।